सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माई चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Adobe After Effects के अंदर ट्रैप कोड प्लगइन के रिगार्डिंग, एंड ये हमारी सीरीज का 6th पार्ट है। अगर इससे पहले आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियोस को देख सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ न्यू कॉम्पोजिशन, जस्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे न्यू सॉलिड, राइट क्लिक करेंगे न्यू सॉलिड, और यहाँ पे इसको आप टाइप कर दो पर्टिकुलर या कुछ भी, आप यहाँ पे नेम आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, और कलर भी मैं इसका यहाँ पे कर रहा हूँ ब्लैक। इसके बाद जाएंगे इफेक्ट्स में, और यहाँ पे आपको मिलेगा RG ट्रैप कोड, और यहाँ पे क्लिक करो पर्टिकुलर के ऊपर। सो नाउ यू कैन सी हमें यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद आज हम बात करेंगे फिजिक्स वाले ऑप्शंस की। बेसिकली फिजिक्स के अंदर यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एयर एंड बाउंस। और एयर वाले ऑप्शंस की गाइज मैंने प्रीवियस वीडियोस में बात की है, आप वाले वीडियोस को देखना। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं बाउंस वाले ऑप्शंस की, ठीक है। सो यहाँ पे क्लिक करते हैं बाउंस में, एंड वन मोर थिंग, ग्रेविटी एंड फिजिक्स टाइम फैक्टर ये सेम होते हैं एयर एंड बाउंस के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कॉमन देखने को मिलेंगे। सो बाउंस में आप जब आप क्लिक करते हैं, सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बाउंस। सो बेसिकली यहाँ पे बाउंस के अंदर कुछ आपको ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक फ्लोर, वॉल लेयर, ये बेसिकली होते क्या है, इनकी आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक न्यू सॉलिड। यहाँ पे हम बेसिकली दो सॉलिड यहाँ पे क्रिएट करेंगे समझने के लिए कि एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। सो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे न्यू सॉलिड, और यहाँ पे मैं इसे जस्ट टाइप कर रहा हूँ फ्लोर, ठीक है। और इसका यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं जस्ट कुछ इस टाइप से, लाइक। इसके बाद इस लेयर को यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं 3D में, जस्ट लाइक दिस, और एस प्रेस करेंगे एस फॉर स्केल। इसको मैनुअली यहाँ पे स्केल कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, अदरवाइज अगर आपको यहाँ पे इंडिविजुअली करना है सो यहाँ पे क्लिक करो और आप यहाँ पे इसे इंडिविजुअली कर सकते हो स्केल। इसके बाद आर प्रेस करो, आर फॉर रोटेशन, और यहाँ पे जाके इसे जस्ट कुछ इस टाइप से यहाँ पे कर दो जस्ट लाइक दिस, और इसे यहाँ पे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ नीचे की ओर लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल डी से मैं इसे डुप्लीकेट कॉपी ले रहा हूँ, और इसका यहाँ पे कर रहा हूँ मैं कलर अगेन चेंज, लाइक कुछ इस टाइप से कर लेते हैं इसका कलर। और इसको यहाँ पे मैं जस्ट टाइप कर रहा हूँ रीनेम अदर सरफेस, ठीक है। और इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ ऊपर की ओर लाइक दिस, और इसको यहाँ पे और यहाँ पे स्प्रेड कर लेते हैं इस टाइप से, स्केल कर लेते हैं। सो इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है देखने को एक्टिव कैमरा। सो बेसिकली यहाँ पे जो भी लेयर्स हमारी 3D में होती हैं उन लेयर्स को हम किसी भी व्यू से देख सकते हैं, इट कैन बी फ्रंट, लेफ्ट, टॉप, बैक, राइट, बॉटम, कोई भी यहाँ पे हमारा व्यू हो सकता है। सो अभी यहाँ पे क्लिक करो मैं कस्टम व्यू 1 के ऊपर, और यहाँ पे इसे मैं जस्ट पी प्रेस करके थोड़ा सा पे शिफ्ट कर लेता हूँ पीछे की ओर कुछ इस टाइप से, ठीक है। और पार्टिकल्स को यहाँ पे हम ले आते हैं टॉप में, पर्टिकुलर को वापस आपने अभी एक्टिव कैमरा के ऊपर, और यहाँ पे जाएंगे एमिटर मास्टर के ऊपर, और यहाँ पे इसका जो साइज है जो पार्टिकल सेकंड है इसको यहाँ पे इंक्रीज कर लेते हैं लाइक 500, ठीक है। और इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं ऊपर की ओर कुछ इस टाइप से लाइक दिस, कुछ ऊपर कर लेते हैं इसको लाइक दिस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ग्रेविटी, इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं 100। बेसिकली ग्रेविटी को हम यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि जो पार्टिकल्स हैं ऊपर से नीचे की ओर यहाँ पे गिरें। यहाँ पे इसे मैं इंक्रीज कर लेता हूँ लाइक 600 कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से। सो नाउ यू कैन सी पार्टिकल्स यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक यहाँ पे कैमरा क्रिएट कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे न्यू कैमरा, और यहाँ पे कैमरे के ऑप्शंस में जाके यहाँ पे इसे हम ऑर्बिट कर सकते हैं, इट मीन्स यहाँ पे इसे घुमा सकते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे फ्लोर लेयर यहाँ पे होता क्या है, वॉल लेयर यहाँ पे होता क्या है। सो जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में फेंकते हैं, वो हमारी बॉल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो जब वो ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस से टकराता है, ठीक है, ग्राउंड को छोड़ के, लाइक वो आपकी वॉल हो गई या कुछ भी हो गया, सो इन दैट कंडीशन वो आपका सरफेस आएगा वॉल लेयर के अंदर, ठीक है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट आपका टकराता है ग्राउंड से, मतलब जो आपका ग्राउंड है, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे आता है फ्लोर में, ठीक है। आप इसको इस तरीके से यहाँ पे समझो। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो ये पार्टिकल्स हैं इस ब्लू सॉलिड के ऊपर यहाँ पे हिट करें,
ठीक है। सो यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फ्लोर लेयर। सो अभी हमारा फ्लोर कौन सा है, मेन फ्लोर अभी हमारा ये वाला है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा क्या है, दिस इज़ कॉल्ड आर अंदर सरफेस। तो हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे वॉल लेयर में जाएंगे और यहाँ पे इसे कर देंगे हम अदर सरफेस। बेसिकली मानो कि हमारी वॉल ही है जो हमने यहाँ पे सॉलिड यहाँ पे क्रिएट करी है। नाउ यू कैन सी पार्टिकल्स इसके ऊपर यहाँ पे गिर रहे हैं और इसको हिट कर रहे हैं। सो गाइज नाउ यू कैन सी कि पार्टिकल्स इस पर्टिकुलर सरफेस को हिट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि पार्टिकल्स इस सरफेस से गिर के इस वाली सरफेस के ऊपर आए, सो उसके लिए क्या करना है आपको, आप जस्ट इस वाली सरफेस में जाओ और आर प्रेस करो और थोड़ा सा इसको यहाँ पे रोटेट कर दो कुछ इस टाइप से। नाउ सी, और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। नाउ सी, अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स पहले हमारे यहाँ पे वॉल के ऊपर गिरे, उसके बाद हमने वॉल को हमने थोड़ा सा रोटेट कर लिया और उसके बाद पार्टिकल्स आ रहे हैं हमारे मेन फ्लोर के ऊपर, ठीक है। सो कुछ इस टाइप से यहाँ पे ये ऑप्शन काम करते हैं। और यहाँ पे जाओ और इस वाली लेयर को भी यहाँ पे कर दो, फ्लोर को बेसिकली यहाँ पे जो हमारा मेन फ्लोर है, पार्टिकल्स इसको भी हिट करेंगे, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि पार्टिकल यहाँ पे भी आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे पार्टिकल्स और यहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल्स आएँ, तो आप यहाँ पे जाओ पार्टिकल्स के अंदर और यहाँ पे जो इसकी लाइफ सेकेंड्स है इसको यहाँ पे बढ़ा दो, लाइक 20 कर दो, तो यहाँ पे और पार्टिकल्स आगे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। इसको भी यहाँ पे अगर हम रोटेट कर लें फ्लोर को कुछ इस टाइप से। नाउ सी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस और मिलते हैं, लाइक इन्फिनाइट प्लेन और लेयर साइज लेयर अल्फा। अब इसको समझते हैं। जैसे मान लो गाइस मैं यहाँ पे गया और मैंने क्या किया, जस्ट अपने पार्टिकल्स की यहाँ पे जो पोजीशन है इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया कुछ इस टाइप से, लाइक दिस। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो पार्टिकल्स लेयर को यहाँ पे हिट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो लेयर का जो एंडिंग पॉइंट है वो यहाँ तक है और उसके बाद भी यहाँ पे पार्टिकल्स जा रहे हैं, बट यहाँ पे इशू यहाँ पे ये है कि हमारे पार्टिकल्स सिर्फ यहाँ तक इसको हिट करने चाहिए थे और यहाँ पे हिट नहीं करने चाहिए थे। बट अभी क्या हो रहा है, पार्टिकल इसको ऑल ओवर एज अ प्लेन करके यहाँ पे हिट कर रहे हैं, ठीक है। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। सो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करो वॉल मोड में और यहाँ पे आप इसे कर दो लेयर साइज। सो अब क्या होगा, पार्टिकल्स को बेसिकली जहाँ पर सरफेस देखने को मिलेगा वो वहाँ पे सरफेस को हिट करेगा, अदरवाइज वहाँ पे सरफेस को हिट नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलता है लेयर अल्फा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट इसको मैं पहले कर रहा हूँ इन्फिनाइट प्लेन और वापस जाते हैं और इसको शिफ्ट कर लेते हैं कुछ इस टाइप से। और मैंने यहाँ पे लिया पेन टूल और यहाँ पे गए और जस्ट मैंने कुछ एक यहाँ पे मास्क बना दिया लाइक दिस। और इस मास्क में जाएंगे, डबल एम प्रेस करेंगे, इसे यहाँ पे कर दिया मैंने सब्ट्रैक्ट। अब गाइस अभी आप देखो सेम यहाँ पे इश्यू हो रहा है, पार्टिकल्स यहाँ पे इस मास्क को यहाँ पे पहचान नहीं पा रहे। अगर रियल लाइफ में अगर आप किसी बॉटल में अगर आप होल करते हैं सो क्या होगा, उस होल के थ्रू वहाँ पे पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। सो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे अपने पर्टिकुलर के ऊपर और यहाँ पे जाएंगे, जस्ट यहाँ पे क्लिक करो वॉल लेयर के ऊपर और यहाँ पे आप इसे जाओ इन्फिनाइट प्लेन में और यहाँ पे इसे कर दो लेयर अल्फा। बट अभी भी यहाँ पे सेम इश्यू है। सो अगेन यहाँ पे क्लिक करो सोर्स में और यहाँ पे आप इसे कर दो मास्क, या आप यहाँ पे इसे कर दो मास्क एंड इफेक्ट या इफेक्ट एंड मास्क। मास्क वाले ऑप्शन में क्या करेगा, मास्क को यहाँ पे पहचान लेगा और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे पार्टिकल्स रिएक्ट करेंगे। इफेक्ट में जब आपने यहाँ पे कोई इफेक्ट को अप्लाई किया होगा तो वहाँ पे इफेक्ट के ऊपर भी काम करेगा, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी, अगर हम यहाँ पे कैमरे को मूव करते हैं कुछ, सो कुछ इस टाइप से अभी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे सेम ऑप्शन आपको मिलते हैं फ्लोर के साथ। अगर आप यहाँ पे इसे करते हो लेयर साइज, तो अगेन आप जो अभी हमने यहाँ पे किया यहाँ पे वॉल लेयर के साथ आप सेम कर सकते हो फ्लोर लेयर के साथ। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं कि पार्टिकल्स के आपको कोलिजन इवेंट कैसा चाहिए, मतलब जब पार्टिकल सरफेस को हिट करेंगे सो आपको वहाँ पे किस टाइप से आपको वहाँ पे पार्टिकल्स रिएक्ट करने चाहिए सरफेस के साथ। सो कुछ इस टाइप के यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं लाइक स्लाइड। सो कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हो अगर आप स्टिक
सो यहाँ पे कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे क्लिक करते हो आप अगर किल, तो यहाँ पे पार्टिकल्स कुछ इस टाइप से यहाँ पे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लाइक अगर आपको जिस भी टाइप से यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज रखनी है बाउंस की, सो आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, आई होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसके अलावा कुछ भी डाउट्स होते हैं आपको वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता हूँ अपने काम के रिगार्डिंग। एंड आप इंस्टा पे आप कुछ भी क्वेरीज को शेयर कर सकते हैं अपनी। एंड तब तक ले गाइस टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।